हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स एंड माय चैनल इज रिलेटेड टू वैदिक मैथ्स, अबिकस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज एंड आल्सो द वर्ड पावर। यदि आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी मन लायक सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको ए से रिलेटेड और बी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में आपको मैं बताई थी, तो उससे आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा आगे का वर्ड है बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, किसी को भी बाहर कर देना। इसका सिनोनिम देखें तो इसका सिनोनिम से एग्जाइल। एग्जाइल मतलब भी किसी चीज को बाहर कर देना, आउट ऑफ कंट्री कर देना, किसी चीज को बाहर निकाल देना। ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का भी सेम मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, किसी चीज को हटा देना। और डिपोर्ट। डिपोर्ट का सेम थिंग्स, निकाल देना, बाहर कर देना। टू लीव अ प्लेस, किसी भी प्लेस को छोड़ देना। लीव मींस छोड़ देना, किसी भी प्लेस को छोड़ देना, त्याग देना। दैट इज मीनिंग रिलेटेड टू बैनिश। किसी को देश निकाले की सजा हो जाती है तो उसे हम बैनिश कर सकते हैं, बैनिश। और यदि इसके एंटोनिम की बात हो जाए तो जहाँ हम किसी चीज को बाहर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वहाँ हो जाता है हमारा एक्सेप्ट करना। किसी भी चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। एडमिट मतलब अलाउ कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं हम किसी चीज को। अलाउ करना, हम उसको वापस आने के लिए हम उसको बुला रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। फिक्स करना, किसी भी चीज को एक जगह पे फिक्स कर देना ताकि कोई भी उसे हटा ना पाए। तो वैनिश का मतलब होता है निकाल देना। दिस इज द सिनोनिम्स एंड दिस इज द एंटोनिम्स ऑफ द वैनिश। नाउ अ सेंटेंस, सेंटेंस देखिए। टू ब्रिंग अ स्माइल, टू बैनिश अ टीयर्स। स्माइल को लाओ और टीयर्स को निकाल दो, टीयर्स को बाहर आप निकाल दो। और हमारा अगला वर्ड है बार्बरिक। बार्बरिक मतलब होता है असभ्य, असभ्य, बर्बर, अनसिविलाइज्ड, सैवेज मींस क्रूर। सैवेज मींस होता है जो इंसान बहुत ही क्रूर है, जो जानवर बहुत ही क्रूर है, क्रूर, अनसिविलाइज्ड, जिसको किसी भी तरह की कोई मैनर्स नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब है सेम थिंग, असभ्य, बर्बर, अनसिविलाइज्ड, जो अनसिविलाइज्ड है, नो मैनर, जिसको कोई मैनर नहीं है। दैट इज कॉल्ड बार्बरिक, प्रिमिटिव, अलाइन, बिल्कुल अलग। अलाइन इज विद सेम थिंग, दैट इज बार्बरिक। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, जो बहुत क्रूर है, जो अनसिविलाइज्ड है, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड, जेंटल, काइंड एंड नाइस। काइंड मींस दयालु, नाइस मींस बहुत ही अच्छा, जेंटल मींस भी बहुत ही अच्छा, सिविलाइज्ड मतलब जो सिविलाइज्ड है, जो कि मान सम्मान के योग्य है, जो अच्छे आचरण वाला है, दैट इज कॉल्ड सिविलाइज्ड। बार्बरिकता एंड अनसन रूल्स आर बार्बरिक एंड ऑफ। जो अनसन का रूल्स था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर था, वो अच्छा नहीं था, वो जिसे हम लोग पालन नहीं कर पाते थे, दैट इज कॉल्ड बार्बरिक। तो बैनिश मींस निकाल देना, बाहर कर देना किसी को, एंड बार्बरिक मतलब असभ्य, बर्बर, अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव एंड अलाइन। हमारा अगला वर्ड है बेट, BAIT, बेट। बेट मींस होता है लालच, लालच, प्रलोभन, किसी के अंदर लालच है, प्रलोभन है, लालच, स्नेयर, ट्रैप एंड डिकॉय इज द सिनोनिम्स ऑफ द बेट। बेट की, बेट का सिनोनिम्स स्नेयर, स्नेयर, हमारे अंदर स्नेयर है मतलब लालच है, ट्रैप एंड डिकॉय इज द सिनोनिम्स ऑफ द बेट। मे बी दे न्यू व्हाट काइंड ऑफ बेट टू थ्रो अप, वो जानते थे कि किस तरह का वेट किया जाए हम लोगों को जो हमारे लिए काफी अच्छा हो। उनके अंदर ये इस तरह का उनके अंदर एक लालच था। एंड एंटोनिम की बात कर रहे हैं कि ड्रैग, रिपल्सन, डिस्करेजमेंट, मतलब कि जहां भी लालच नहीं है, दैट इज कॉल्ड ड्रैग, रिपल्सन एंड डिस्करेजमेंट। और हमारा अगला वर्ड है
प्रिंटर, प्रिंटर का मतलब होता है नाजुक, टूटने योग्य, एंड टूटने योग्य जो बहुत नाजुक है, जो बहुत कोमल है, दैट इज टूटने योग्य, नाजुक। फ्रेल, फ्रेल इज द सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ प्रिंटर, मींस टूटने योग्य, जो बहुत ही नाजुक है, भंगुर है, जो बहुत जल्दी जो टूट जाता है, दैट इज फ्रेल। फ्रेजाइल, बहुत लचीला, बहुत लचीला कोई चीज़ है, वो चीज़ ऑब्वियसली वो चीज़ जल्दी टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। ब्रोकन, टूटा हुआ, जो टूट गया है, ईजली ब्रोकन, दैट बहुत आसानी से जिसको तोड़ा जा सके, दैट इज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रिटर। अनब्रेकेबल, जो काफी ज्यादा मजबूत है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल। सफल, अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। एंड ड्यूरेबल, जो बहुत दिनों तक चलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत दिनों तक जिसको हम चला सकते हैं, दैट इज की जीवन लाइफ काफी ज्यादा, दैट इज ड्यूरेबल। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल, अस्थाई, जो काफी अस्थाई है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स अस्थाई, जो टूटने योग्य नहीं है। एंड दिस इज द एंटोनिम्स ऑफ ब्रिटल। एंड अगेन, बेट मीन्स स्नेयर, ट्रैप एंड डेकॉय, लालच, प्रलोभन देना किसी को, दैट इज कॉल्ड बेट। अपोजिट यानी एंटोनिम, ड्रैग, रिपल्सन, डिसकरेजमेंट करना। ब्रिटल, सिनोनिम फ्रेल, जो कि बहुत नाजुक है, लचीला है, टूटने योग्य है। फ्रेजाइल एंड इजली ब्रोकन, जिसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। एंटोनिम, अनब्रेकेबल, ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल इज द एंटोनिम्स ऑफ ब्रिटल। अगला वर्ड है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है घबरा देना, किसी भी को घबरा देना, हैरान कर देना, बहुत ही ज्यादा उसको हैरान कर दिया, उसे घबरा दिया, दैट इज कॉल्ड बिविल्डर। सिनोनिम की बात करें तो कंफाउंड, उसको कंफाउंड कर दिया, उसको बहुत ही परेशान कर दिया, उसको बहुत ही ज्यादा घबरा दिया, दैट इज कंफाउंड। परप्लेक्स, परप्लेक्स मींस व्याकुल कर देना, किसी को भी व्याकुल कर देना, दैट इज परप्लेक्स। द सेम थिंग्स ऑफ द बिविल्डर्स, बिफॉर, परेशान करना, घबरा देना, बैफल, किसी को चक्कर में डाल देना, कंफ्यूज करना किसी को, दैट इज बैफल, बिफॉर। बिविल्डर का सिनोनिम्स हो गया कंफाउंड, परप्लेक्स, बिफॉर एंड बैफल। एंटोनिम्स आते हैं तो एंटोनिम्स में काम, किसी काम, शांति, उसे हमने घबरा दिया, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसे हमने शांत कर दिया, किसी को शांत कर देना, क्लैरिफाई कर देना, कोई भी चीज अस्पष्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड क्लैरिफाई कर देना। कंफर्ट, किसी को सुविधा देना, उसको घबराना नहीं, बल्कि उसको अच्छे से उसको समझाना, बैठाना, उसको अच्छे से सुविधा देना, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट। एंड किसी की हेल्प करना, दैट इज द एंटोनिम्स ऑफ द बिविल्डर्स। These are the synonyms, confound, घबरा देना, perplex, व्याकुल कर देना, befog, baffle, चक्कर में डाल देना, confuse कर देना, and antonyms of bewilder is calm, clarify, comfort and help. Now, he stood up bewilder, वो ऐसे खड़ा था जिस ताकि उसने सबको घबरा दिया, that is called bewildered. Now, belligerent. Belligerent means yodha. Daraku, jo yodha hai. Synonyms of belligerent, warlike. Jisko war bahut priye, jisko yodh bahut priye hai. That is warlike. Pugnacious. Pugnacious jo hamesha yodh ke baare mein sochta hai, jo hamesha ladai ke baare mein sochta hai. That is called pugnacious. Hostile. Dushman. Wo hamara dushman hai. That He is my hostile and he always think about the fighting. That is called hostile. These are the antonyms, these are the synonyms of the belligerent.
एंटोनी काम शांति फ्रेंडली हम उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड हेल्पफुल वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मदद करने वह मदद करने वाला है डेट इज़ द सिनोनिम्स एंड एंटोनी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही मेरी नेक्स्ट वीडियो पर को देखने के लिए आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।